आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। आज वैली का गेम प्ले दिखाऊंगी, तो चलिए वैली में चलते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 99 फ्यूल कलेक्ट कर रखा है मैंने, और इससे ज़्यादा फ्यूल हम कलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको स्पिन को दिखा देती हूँ, ये देखिए इससे ज़्यादा फ्यूल हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि मैंने स्ट्रॉबेरी और जो एनिमल्स को फीड करवा करके और एक और मैं कलेक्ट कर सकती थी, पर ये और आगे नहीं देगा। तो 99 से ज़्यादा इसका मतलब हम फ्यूल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसको एक बार मैं देखा देखती हूँ कि अगर इसको यूज़ में लेते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो चलिए इससे पहले मैं ये भी देख लेती हूँ कि मेरे टास्क आज दिन में मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैं टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाई, तो हम टास्क भी कर लेते हैं। और इन टास्क में है मुझे 30 पिंक टोकन्स कलेक्ट करने हैं और 45 ब्लू टोकन्स कलेक्ट करने हैं। इससे पहले देखिए ये एक बॉक्स, अरे वाह मुझे 4 डक टेप मिली हैं इसमें। और अब हम टास्क भी कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट। अभी ये एक बॉक्स हो रहा है कुछ टास्क कंप्लीट करने के बाद। आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था गेम प्ले में कि ये जो नया वाला जो पिगी पिगी वाला जो नया गेम प्ले है, ये मैंने 2 बार खेला और दोनों ही बार मेरे गिफ्ट तो निकले थे पर बम निकल जाने की वजह से मेरे लिए यूजलेस हो गए। तो अभी ये इसमें आने में टाइम है और वैली सीजन शायद ख़त्म होने वाला है, 1 दिन 13 घंटे ही बचे, तब हम यहाँ तक शायद ही पहुँच पाएंगे। तो इस फ्यूल को खर्च करने के लिए चलिए करते हैं टास्क कंप्लीट कर लेते हैं आज के। सबसे पहले ये टास्क कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इस सेंचुरी तक आते हैं। सेंचुरी हमारी है यहाँ पे, तो सेंचुरी तक आना है मुझे। आप देख सकते हैं मेरे ट्रक में जो है वो 3 एनिमल्स हैं, तो इन्हें मुझे सेंचुरी तक पहुँचाना है। और इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाला रूट फॉलो कर लेती हूँ मैं। सेंचुरी तक जाने के साथ साथ ही हम जो है वो बीच के सारे टास्क कंप्लीट करते जाएंगे, इससे हमारे टोकन्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और हम सेंचुरी तक भी पहुंच जाएंगे। सेंचुरी अभी दूर है, तब तक हम कुछ टास्क और कंप्लीट करते हैं। इस टास्क को करने से मुझे ब्लू टोकन और पिंक टोकन भी मिल रहे हैं और ये दोनों ही चीज़ें मुझे कलेक्ट करनी है। देखिए जो हमारा डेली के जो टास्क होते हैं उसमें से एक अपना 3 बिल्डिंग वाला टास्क जो है वो रिक्वेस्ट 3, ये वाला अपन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ब्लू टोकन और पिंक टोकन में से थोड़ा ही बचा है, पिंक टोकन तो कंप्लीट हो ही जाएंगे अभी अगर हम एक टास्क और करते हैं। तो ये देखिए इसमें हो जाएंगे हमारे पिंक टोकन तो कंप्लीट हो जाएंगे। ब्लू वाले के लिए हमारे पास फ्यूल काफ़ी है, तो हम ब्लू वाले भी कर ही लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने काफ़ी कुछ सामान अभी तक मैं खरीद भी लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि लैंड परमिट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ पार्ट खोलना है। तो मैंने लैंड परमिट्स खरीदे हैं, एक तो ये वाला ख़रीदा है, जितने भी थे इसमें 3 थे वो मैंने तीनों ख़रीद लिए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने प्लैंक ख़रीदा है, तो काफ़ी कुछ सामान मैं इसमें से ख़रीद चुकी हूँ। और अब वैली सीजन ऑफ होने वाला है, तो अब जो है वो मैं डायमंड लूँगी, क्योंकि मुझे डायमंड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं डायमंड का कलेक्शन, आप देख सकते हैं कि डायमंड का कलेक्शन अभी भी मेरे पास काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं 40 डायमंड और कर लूँगी तो मेरे पास 900 डायमंड्स हो जाएंगे, तो इसी का इंतज़ार रहेगा मुझे। अभी हम एक बार इसको करके देखते हैं। देखिए अब हम फ्यूल को चला, आपको मैंने बताया था 99 के बाद हम नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, और अब देखिए आप एक बार और मैं इसको चला करके और फ्यूल कलेक्ट कर सकती हूँ। ये देखिए वापस से मेरे पास 98 फ्यूल हो चुका है,
और देखिए एक टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमें ब्लू टोकन वाला टास्क कंप्लीट करना है और एनिमल्स को सेंचुरी में छोड़ना है। या तो मैं इनको एनिमल्स को सेंचुरी में छोड़ देती हूँ, पर इसमें मुझे ग्रीन और पिंक टोकन ही मिल रहे हैं, ब्लू टोकन नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ देखती हूँ कम कितने हैं, एक बार यहाँ जा कर के देखते हैं, इससे कुछ तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। इसके बाद आगे चल चलते हैं, क्योंकि हमें ब्लू टोकन वाला टास्क कंप्लीट करना है। इसलिए अब देखिए ये ब्लू टोकन वाला डेली टास्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम सेंचुरी की तरफ आ जाते हैं ताकि एनिमल्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। वैली की थीम वैसे भी यही है कि एनिमल्स जो सेंचुरी से भाग गए हैं या जो बाहर निकल गए हैं उन्हें हमें वापस सेंचुरी तक पहुंचाना है। तो हमने तीन एनिमल्स को सेंचुरी पे पहुंचा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इनको, या तो अभी अगर मैं अभी जस्ट इनको यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ तो मुझे 5 डायमंड जो है वो यूज़ में लेने होंगे, और नहीं तो आधा घंटे बाद इन एनिमल्स को मैं इसमें छोड़ सकती हूँ। तो मैं डायमंड बिल्कुल भी खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि डायमंड मैं नहीं खर्च करती हूँ, आधा घंटे बाद मैं वैसे ही इनको कर दूंगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।